खबर रीवा के मऊगंज से है, जहां मऊगंज में बिजली कंपनी के द्वारा पहले तो मेंटेनेंस नहीं किया जाता, वहीं जब बारिश और गर्मी का मौसम आता है तभी बिजली महकमे की नींद खुलती है और सुधार के काम कराए जाते हैं। यही हाल केबल और ट्रांसफार्मरों का है, जो सालों से बदले नहीं जाने के कारण अब धू धू जल रहे हैं। तकनीकी खराबी का खामियाजा उपभोक्ताओं को झेलना पड़ता है। वहीं बिजली की चौपट व्यवस्था के कारण प्रचंड गर्मी की मार के बीच जल संकट के हालात बनने से जनता में मऊगंज भाजपा विधायक के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है। धरने के लिए चर्चित मऊगंज के भाजपा विधायक को लेकर आम जनता ने कहा कि भाजपा विधायक और उनके भगवा गमछाधारी समर्थकों का धरना जनहित में नहीं बल्कि विभागों में मिशन वसूली के तहत होता है। भीषण गर्मी में नगर की बिजली की व्यवस्था ध्वस्त होने पर रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प के सख्त निर्देश से एसडीएम मऊगंज एपी द्विवेदी के पहल पर डीई मऊगंज ओपी द्विवेदी नगर की बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं, जिसके बाद बिजली की आपूर्ति व्यवस्था कुछ बेहतर है। मऊगंज से राजेश दुबे की रिपोर्ट। ये बताइए कि बिजली की क्या स्थिति है मऊगंज शहर? बिजली की स्थिति तो बहुत ही खराब है। गांव में तो बोर चल पा रहा है, गांव में भी क्या है कि गेहूं की फसल कट के आई हुई है और जिसके कारण लाइट नहीं है और थ्रेसरिंग में बहुत दिक्कत हो रही है। लोग अपनी गेहूं की मिजाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब किसान पूरी तरह से, मतलब रात में 2 से 3 घंटे थ्रेसर चलता है, इसके बाद बंद रहता है। चक्कियां हैं गेहूं पिसाने के लिए, अगर रख दो तो हफ्तों तक गेहूं नहीं पिसा पा रहा है। क्या है बिजली की समस्या? बिजली की समस्या ऐसी स्थिति है कि हमको पानी नहीं मिलता इस समय, ना लाइट एकदम जीरो है ना के बराबर है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, 10-10 बार एक चाटी में डायल भी किया गया, कोई सुनने वाला नहीं है। ये कब से स्थिति है? ये आज 1 महीने हो गए। 1 महीने कहीं कोई सुधार नहीं, सुनवाई नहीं होती है। लाइन फॉल्ट हो रही है? हाँ, लाइन रोज फॉल्ट हो जाती है। अभी एक दिन बगल में यहाँ इसकी घर में आग लग गई थी इसी लाइट की वजह से। तो क्या है ये बिहार? आपका नाम? आसू। कहाँ पर घर है आपका? वार्ड क्रमांक 5। ये बताइए बिजली को लेकर क्या स्थिति है मऊगंज नगर? बिजली को लेकर स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है यहाँ की जी। आए दिन कटौती होती रहती है और कटौती का टाइम भी कोई फिक्स नहीं है। क्या है यह बिजली की समस्या? सर पूरा लाइट जंक्शन है, परेशान आके पूरी रात पानी ना आता ना जाता, कहीं प्रशासन इसमें कोई जवाबदारी नहीं ले रहा है कि माने हम लोग माने परेशान है, कोई देखने वाला नहीं है इस मोहल्ला में। नहीं तो यहाँ पे तो मतलब भाजपा के विधायक हैं जिनको राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है, कोई सुनवाई नहीं, कोई वो नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनसे। गहराई का काम भी चल रहा है, गर्मी ज़्यादा है, पेयजल की भी समस्याएं हो रही हैं। तो बिजली के संबंध में हमने जी से बात की है, जब कटौती का कोई प्रावधान नहीं है फिर भी वो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की समस्या बता रहे हैं। हमने कहा है कि सभी बिजली की स्थितियाँ सुधारे और लोगों को ताकि इसे गर्मी के सीजन में इस तरह की परेशानी ना हो। जी जी, वोल्टेज की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, ट्रांसफार्मर काफ़ी पुराने जर्जर हालत में है, तो वोल्टेज की भी समस्या सामने आ रही है। समाज में भी उन्हें बताया है कि भी लोड बढ़ा है, उसके कारण वोल्टेज की समस्या हो रही है। जी जी, सुधार कर रहे हैं जी।